सभी को नमस्कार। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा के माननीय सांसद और राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और हम सब के वरिष्ठ नेता माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, यहाँ उपस्थित जयपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामचरण बोरा जी, चूरू के लोकप्रिय सांसद राहुल कसवा जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे सभी बंधु भगिनी, हमारे भाई और बहन, वरिष्ठ नेता, आज सौभाग्य है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में और देश से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में विश्वास व्यक्त करते हुए आज कई वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से, पूरे पार्टी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये हवा नहीं तूफान है, और जिस प्रकार से लोगों का विश्वास मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी में है, और लोगों को विश्वास है मोदी जी की गारंटी में, और आज मैं उन सब का, आज श्री चंद्रशेखर जी बेद जो विधायक रहे हैं और इनके पिताजी 8 बार विधायक रहे हैं और मेरे ख्याल से 7 या 8 बार फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में प्रदेश का बजट जिनको पेश करने का अवसर मिला, उनके सुपुत्र चंद्रशेखर जी बेद का मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री नंदलाल पूनिया जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं रहे हैं और राजगढ़ से कई बार विधायक रहे हैं, और आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका भी हम सब लोग अभिनंदन करें। श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी जो जयपुर से महापौर रही हैं और आदरणीय बोरा साहब के सामने चुनाव भी लड़ा है लोकसभा का, आज वो भी कमल में भारतीय जनता पार्टी में और नरेंद्र मोदी जी में विश्वास और आस्था व्यक्त करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। डॉक्टर हरि सिंह जी सारण ये मंडावा से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, झुंझुनू जिले के वरिष्ठ नेता हैं। मैं डॉक्टर हरि सिंह जी का भी पूरी पार्टी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री सांवरमल मेहरिया जी ये अभी वर्तमान में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री केसर सिंह जी शेखावत IPS अधिकारी रहे हैं और इनका बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम लंबे समय से कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री भीम सिंह जी बी का पूर्व IPS अधिकारी आज ये भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। विद्याधर नगर से भी कई कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जयपाल सिंह जी मांडूत जो आप पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ जो उपाध्यक्ष रहे हैं, सोमेंद्र सिंह जी चौहान, श्री रवि जिंदल जी, किशोर सिंह जी, विष्णु प्रताप जी, ये आज सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये तब होता है जब लोगों में विश्वास पार्टी के प्रति और नेतृत्व के प्रति होता है,
और कहीं अविश्वास की भावना होती है तो वो वहाँ स्थान छोड़कर उपयुक्त स्थान पर उचित नेतृत्व के साथ जाते हैं। जिन लोगों ने कल देखा था कुछ गारंटियां और दी थी, राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है कि किसानों से कर्ज माफी की गारंटी का क्या हुआ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी का क्या हुआ, आपने महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ, आपने राजस्थान के विकास की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ, आपने महंगाई रोकने की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ। आज देश भर में आप ही के माध्यम से प्रदेश की जनता देख रही है कि महंगाई में पूरे देश में सिर्फ कोई प्रदेश आ गया तो वो राजस्थान है। इसलिए लोगों ने उनकी गारंटी मानना बंद कर दिया। अब गारंटी है तो नरेंद्र मोदी जी की, और वही विश्वास करके ये सब आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और मैं आज निंदा भी करता हूँ मुख्यमंत्री जी के उन बयान की, जिन लोगों ने जो भ्रष्टाचार रोकने का काम कर रहे हैं उनके लिए कहा कि ये कुत्ते हैं, एक सरकारी मुलाजिमों पर सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार शब्दों का प्रयोग करना, शायद उनको पता नहीं कि राजस्थान में कितने सरकारी कर्मचारी होंगे और कितने लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ होंगे। कोई गरीब का बेटा, किसान का बेटा, दलित का बेटा, आदिवासी का बेटा, उन लाखों युवाओं को न्याय दिलाने के लिए ईडी काम कर रही है तो उनके खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री जी करते हैं, मैं पार्टी की ओर से निंदा करता हूं। पुनः आप सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उन सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपनी बात कहें। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांग्रेस के साथ वो शख्सियत जो बरसों से जुड़े हुए थे, सामान्य चंद्रशेखर जी बैद, इनके पिताजी चंदनमल जी बैद ने राजस्थान में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया, खुद विधायक रहे, नंदलाल जी पूनिया पूरी शेखावटी में किसानों की दमदार आवाज़ रहे, बहन ज्योति जी के लिए तो मुझे कहना ही क्या है, जयपुर में सीधे महापौर के चुनाव में पूरे जयपुर का प्रतिनिधित्व कर चुकी है, और इसी प्रकार डॉक्टर हरी सिंह जी, संवरमल जी, केसर सिंह जी, भीम सिंह जी, इन सब का मैं स्वागत करता हूं। और इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, जब इनसे बात की तो इन्होंने कहा हम कांग्रेस का हिस्सा रहे, पर अपमान की राजनीति के चलते, झूठ की राजनीति के चलते, और जिस प्रकार की आभासी सरकार थी और सरकार की कलई जब खुलने लगी, भ्रष्टाचार की भट्टी जब जलती हुई पूरे राजस्थान ने 5 साल तक देखा, और अब जब भ्रष्टाचार की कलई खुल रही है तो पूरी कांग्रेस में हलचल है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने कांग्रेस को छोड़ा है और डबल इंजन की सरकार बनाने के मकसद के साथ आज भारतीय जनता पार्टी से संबंध जोड़ा है। मुख्यमंत्री जी ने कल अपनी नई गारंटियों की घोषणा की थी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में 2019 की में निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की परियोजना की घोषणा, नई राह देने की घोषणा कोई भी सत्तारूढ़ सरकार नहीं कर सकती। लगातार हम देख रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट का भी उल्लंघन कर रहे हैं, और अब भी सरकार में बैठे नुमाइंदे अलग अलग प्रकार से सरकारी अहलकार निर्वाचन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी के विरुद्ध में जिस प्रकार पहली बार हलचल देख रहे हैं, उस समय हलचल नहीं जब कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर तार मिले, जब डीपी जारोली जी ने कहा कि मेरा कसूर नहीं, ये कसूर ऊपर बैठे लोगों का है, जब बाबूलाल कटारा ने कहा कि मुझे नामजद किया गया था, मैंने 1,75,00,000 रुपये रिश्वत दी, ये सारी बातें सिद्ध कर रहे हैं। ईडी जो जिस प्रकार नौजवानों के अरमानों को लूटा गया, जब उसका पर्दाफाश कर रहे हैं तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर इस संकल्प के साथ, हमारे साथी जो मंच पर बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इन सब का स्वागत, और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने में इनकी अहम भूमिका रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राठौड़ साहब। मैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी से आग्रह करूंगा कि हमें संबोधित करें।
भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हम सबके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान परिवार और बड़ा हुआ है और मैं चंद्रशेखर वैद्य जी, नंदलाल पुनिया जी, श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी, हरि सिंह जी, सावनलाल जी, केसर सिंह जी के साथ सभी जो सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए आप सब उत्सुक हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को और आगे बढ़ा करके पार्टी के संगठन को और मजबूत करेंगे, आप सबका अभिनंदन है। यह बात तो स्पष्ट है और पूरे देश में स्पष्ट है कि गहलोत सरकार जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की केवल विजय ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक विजय इस बार होने वाली है और महिला अत्याचार, पेपर लीक, किसानों को कर्ज में डालने वाली यह गहलोत सरकार जाते जाते गहलोत जी को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि किन शब्दों का उपयोग करें। कुछ दिन पहले उन्होंने जुडिशरी के बारे में अपशब्द का उपयोग किया, फिर माफी मांगा, अब जा करके सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपशब्द कह रहे हैं। तो यह स्पष्ट दर्शाता है कि कांग्रेस में और कांग्रेस के मुख्यमंत्री गहलोत जी में हताशा व्याप्त है, हार के हताशा के कारण इस प्रकार से वक्तव्य दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ सभी कार्यकर्ता मिल करके एकजुट होकर के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करके ऐतिहासिक विजय हासिल करेंगे। पुनः आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, अब ज्वाइन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभारी जी। हमारे बीच में जोधपुर एक हमारे छात्र नेता, युवा नेता भाई रविंद्र सिंह जी भाटी, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और जितेंद्र सिंह जी जो लक्ष्मणगढ़ के हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष रहे हैं, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और ये जब रास्ते में आ रहे थे तो पीसीसी के चीफ गाड़ी लगाकर इनको खूब रोकने का प्रयास किया, लेकिन इनके मन में था अब हमें कमल के साथ जाना है, मोदी जी के साथ जाना है। आज यहाँ पहुँचे हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से, आदरणीय प्रभारी जी से, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी से सबसे आग्रह करता हूँ कि जिन्होंने हमारी पार्टी को आज ज्वाइन किया है, पार्टी का दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय चंद्रशेखर वैद्य जी को कि उनको पार्टी का दुपट्टा पहनाकर आप स्वागत करें। पुष्प आदरणीय नंदलाल पुनिया जी, मैं जयपुर की पूर्व महापौर आदरणीय ज्योति खंडेलवाल जी से आग्रह करता हूं कि वो भी वहां पहुंचे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी आदरणीय अरुण सिंह जी, उनको दुपट्टा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। जयपुर की लोकप्रिय नेता, जयपुर की सीधी महापौर और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रही आदरणीय ज्योति खंडेलवाल जी। मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर हरि सिंह सारण साहब डॉक्टर के हरि सिंह सारण साहब को भी दुपट्टा पहनाकर आदरणीय अध्यक्ष जी स्वागत कर रहे हैं। मैं केसर सिंह शेखावत जी से आग्रह करूंगा कि वो पधारे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, नेता प्रतिपक्ष, आपका दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं श्री सावरमल मेहरिया जी को कि वो पधारे। मैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी आईपीएस रहे आदरणीय भीम सिंह बीका जी को आमंत्रित करता हूं क्यों पधारे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष और आदरणीय प्रभारी जी, उनको दुपट्टा पहनाकर पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करा रहे हैं। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री रविंद्र सिंह भाटी
जोधपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, राजस्थान के युवाओं की लोकप्रिय आवाज श्री रविंद्र सिंह भाटी जी को पार्टी ज्वाइन कराने के लिए मैं आग्रह करता हूं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को। प्रदेश में नौजवानों की धड़कन, छात्रों की अगुवाई करने वाले और संघर्ष के पर्याय बने नौजवान भाटी जी का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप रुद्र आशीर्वाद।